की भी टेक्निक जिया तो सब कर्मा करना टेक्निक आज भी लाया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। चल फटाफट से टेक्निक शुरू करें। शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों बता दो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे पहली बार देख रहे हो तो आपका ग्रैंड वेलकम है। मेरा नाम है वारी लखलानी, आप देख रहे हो एस एल जी अमेज। और अगर नए हो तो एक चीज़ करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन बजाए ऑल कीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ। और पहली खबर की बात करते हैं और वो आ रही है यहाँ पर विक्रम लैंडर की तरफ से दोस्तों। जी हाँ, विक्रम लैंडर आपको पता है 7 सितंबर को उसका जो कनेक्शन जो था वो ब्रेक हो चुका था और बाद में हमने उसको खो दिया था ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में भी आपको पता है, मैंने आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताया, अब प्रीवियस जाके देख लो पता चल जाएगा, या फिर अगर आप विक्रम लैंडर के कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो बात आ रही है वो आ रही है नासा की तरफ। नासा ने अपने सैटेलाइट से बहुत सारे फोटोज़ खींचे उस जगह की जहाँ पे विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और अब वो फोटोज़ रेडी हो चुकी है। 17 अक्टूबर को उन्होंने रेडी करने के लिए रखी थी और अब वो रेडी हो चुकी है। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि विक्रम लैंडर का अब गेम ओवर है, मतलब कि अभी वो नहीं बच सकता, ख़त्म हो चुका है वो। हम सिर्फ फिंगर क्रॉस रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। विक्रम लैंडर इज डाइड। और वैसे भी उसका कुछ एक लूनार डे का ही लाइफ था, जो कि अगर हम धरती के वन डे की बात करें तो करीब करीब 14 दिन, वन लूनार डे मतलब 14 दिन की लाइफ थी उसकी। अब 14 क्या एक महीने हो गए हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। और वो अभी और जीत मतलब वो मर गया है, अब ख़त्म, वो नहीं बचा। चलिए फिर भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टेक न्यूज़ की। वो आ रही यहाँ पर एप्पल की तरफ से, एप्पल ने वापस से एक और जान बचा दी है। जी हाँ दोस्तों, न्यू जर्सी में एक लड़का था जो कि ट्वेंटी एट ईयर्स का था। वो न्यू जर्सी में हाइकिंग करने गया था पहाड़ी इलाकों में और वहाँ से वो गिर गया। और फिर अगर उसके पास एप्पल वॉच ना होती तो वो मर जाता, वो बच नहीं पाता। लेकिन एप्पल वॉच ने सीधा उस कॉल कर दिया 911, जो कि वहाँ की पुलिस का नंबर है, और वो बच गया। उसकी मम्मी को पता चल गया, मतलब फैमिली को पता चल गया, सबको पता चल गया कि वो गिर गया है और बाद में उसको बचा लिया। अब एप्पल वॉच महंगी रहती है लेकिन जाने भी बचाती है, ये आपको समझना चाहिए। ऐसा मैं भी मानता हूँ वो महंगी है, 72,000 कोई सस्ता नहीं है, महंगा है ठीक है, लेकिन फिर भी जान बचाती है। जान एक ही होती है, दो नहीं होती, तीन नहीं होती। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले न्यूज़ की। हमारे यहाँ पर रियलमी की तरफ से, और रियलमी का कल जो आस्क माधव एपिसोड नंबर 11, जी हाँ 11 था, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील की है, मतलब कि बताया माधव जी ने। उसमें से जो दो तीन चीज़ें वो हैं, मतलब किसी ने उनसे कमेंट्स में पूछा कि भाई कलर ओएस रियलमी ओएस कहाँ है, तो सीधा बोल दिया नहीं है, रियलमी ओएस नहीं है, कलर ओएस 7 के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक पता नहीं ठीक है अभी। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि रियलमी कलर ओएस 7 जो है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, जो कि यहाँ पर एक क्लेम कर रहे हैं। अब होगा या नहीं होगा वो आप चेक करिएगा अपने रियलमी XT पर, क्योंकि रियलमी XT पर बीटा वर्जन अपडेट आ गया है, तो कर लीजिएगा अपडेट अगर आपके पास रियलमी XT है तो। जी हाँ, टेस्ट कर सकते हो, सिर्फ टेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड टाइम्स वगैरह आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने वूक पावर बैंक्स के बारे में भी बताया, मतलब पूछा तो बोला कि वाई नॉट, मतलब आ सकता है रियलमी पावर बैंक, वो भी वूक वाला, मतलब कि फास्ट जो उनके बॉक्स में डब्बे में मिलता है वूक चार्जर, उसका पावर बैंक सोचिए। और एक चीज़ कही उन्होंने, खुद फिट रहो, दूसरों को फिट रहने दो, फैमिली वालों को फिट रहने दो, मतलब कि जी हाँ रियलमी का फिटनेस बैंड है
ऑब्वियसली वही होगा, और कुछ बैग बैग तो नहीं निकालेंगे फिट होने के लिए। रियलमी का फिटनेस बैंड भी आ रहा है, जैसे मी का है, ऑनर का है, अब इसको भी जोड़ लो। वैसे क्या आप एक्साइटेड है इन सब चीज़ों के लिए, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले न्यूज़ के, वो आ रही है यहाँ पर मेजू की तरफ से। और मेजू एक स्मार्टफोन ब्रांड है, लेकिन सब चाइना का है, बट मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन से वो इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि उनके अभी जो उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया Z16 ऐसा कुछ नाम है उसका, चाइना का है वो, सिर्फ चाइना के लिए ही ब्रांड बना है। तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन डिस्प्ले कैमरा, मतलब अंडर डिस्प्ले कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और साथ में प्रोसेसर कौन सा सोचोगे, मैं बोलूँगा तो आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें आता है स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर, वो भी सिर्फ 199 में, जो कि अगर आप इंडिया से कन्वर्ट करते हो तो वो करीब होता है वो करीब होता है 20,000 के करीब होता है वो, और वो एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि सिर्फ 20,000 में आपको स्नैपड्रैगन 855, और यहाँ पे 20,000 में रेडमी K20 जो कि 730 प्रोसेसर के साथ है। यस, वैसे क्या आप एक्साइटेड है? अभी एक्साइटेड का तो कोई बात ही नहीं बनता, आपको सिर्फ होप्स रखने के भाई वो इंडिया में आ जाए, क्योंकि एक्साइट तो आप होगे नहीं, क्योंकि वो इंडिया में आना ही नहीं है, वो आने ही नहीं वाला है, तो उसको होप्स रखी जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो आना चाहिए, अब देखते हैं। और दोस्तों जब मैंने कल की टेक न्यूज में बताया था कि भाई एक जन ने मुझे DM किया था इंस्टा पे कि मुझे वो चैलेंज करना है विटामिन वाटर वाला, तो आज फिर से उन एक जन का आया, उनका ही आया, तो भाई आप मुझे बताओ क्यों आपको करना है, तो मैं करवाता हूँ, लेकिन आप बताओ तो सही, मुझे इंस्टा पे सिर्फ बोलो मत ऐसे ही, मैं बाद में रिप्लाइज भी देता हूँ तो कोई बोलता नहीं कुछ। अभी आ जाओ टेक न्यूज़ देखने के बाद इंस्टा पे आऊँ मैं मेरे, और बाद में देखिए अगर आपको करना है तो अच्छी बात है, एक साल तक आप कर सकते हो फ़ोन, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, फ़ोन ही सिर्फ नहीं रखना है, बाकी सब तो आप यूज़ कर सकते हो, और 72 लाख भी मिलेंगे, ये अलग बात है। मुझे इंस्टा पे करना DM, इसके बाद जब टेक्निक्स देख लो उसके बाद में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टेक्निक्स के, और दोस्तों ये आ रही है यहाँ पर एप्पल की तरफ से, एप्पल का अब तक का 2019 अक्टूबर तक का, यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा सेलिंग स्मार्टफोन कौन सा रहा है बताओ? जी हाँ, iPhone SE, ये सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, इससे ज़्यादा कोई फ़ोन हुआ भी नहीं है, और मेरे ख्याल से कभी नहीं होएगा, क्योंकि iPhone SE का सक्सेसर iPhone SE 2 आ रहा है, और ये एक अच्छी बात है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2020 के जनवरी में उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, और मार्च अप्रैल से वो जाएगा, आप उसको खरीद सकोगे। अब देखते हैं वो पहले कहाँ था, US, इंडिया कहाँ। चलिए तो सवाल कर, और एप्पल के ही तरफ से एक खबर आ रही है, जो चेन्नई में उनका फैक्ट्री खुला है ना, जहाँ पे वो लोग स्मार्टफोन को बनाते हैं, वहाँ पर दोस्तों iPhone XR असेंबल्ड इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बॉक्स निकल कर आ गया है, बड़ा प्राउड होता है जब हम ये चीज़ देखते हैं, इंडिया में सब चीज़ बननी चाहिए, जैसे चाइना इम्पोर्टेंट है वैसे इंडिया भी है, बाकी के कंट्रीज भी है, लेकिन इंडिया ज़्यादा है ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हम जाके रहने वाले वहाँ का ऑब्वियसली उसका सपोर्ट देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टेक न्यूज़ की, वो आ रही है यहाँ पर सैमसंग एक्सिनोस 9630 जो आज 11:30 11:30 लॉन्च होने वाला है, अब देखेंगे। और ऐसा सैमसंग बताया जा रहा है वो मिड रेंज के लिए होगा, जो 2020 में ए सीरीज के जो फ़ोन्स आएंगे उनके लिए बनेगा, अब देखते हैं कितना पावरफुल है, कितना डाउन है, कितना डाउनग्रेड है, कितना अपग्रेड है। वैसे 9611
बकवास है मेरे ख्याल से, जो M30S में सैमसंग के वो बकवास प्रोसेसर है। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा आज का टेक न्यूज और कौन सी चीजें हैं थी आपकी फेवरेट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टेक न्यूज में मिलेंगे कल जो कि होगा थर्सडे। Till then, a great day and always keep smiling. Bye.